हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि टर्मिनल लॉस हमेशा लॉस ऑफ लास्ट 12 मंथ्स ऑफ ट्रेडिंग, यानी कि टर्मिनल लॉस आखिरी 12 महीने का होता है। अब इसमें दो सिचुएशन बन सकती है। इजी सिचुएशन ये है कि आपका जो लास्ट ईयर है, क्लोजर वाला ईयर है, वो हो ही 12 महीने का, तब तो ये बहुत आसान है। लेकिन अगर वो 12 महीने का नहीं हुआ तो फिर उसको 12 महीने का बनाना पड़ेगा। अच्छा, इसका जो टर्मिनल लॉस कैलकुलेट करने का तरीका है वो इस तरह से दिया हुआ है कि एक तरीका है, उसके अकॉर्डिंगली निकालना पड़ेगा। तो पहले तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड चल रहा था से सपोज 31 दिसंबर 18। इसमें हमने प्रॉफिट कमाया 10,000 का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पीरियड आया वो पीरियड एंड हुआ 31 दिसंबर 19, और उसमें हमें लॉस आया, और वो लॉस आया 25,000 का। और हमारे पास ओवरलैप प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड पड़ा हुआ था पहले से 3,000 का। कैलकुलेट टर्मिनल लॉस, इजी सिचुएशन है, क्योंकि मैंने जो क्लोजर वाला ईयर बनाया है, सेसेशन बनाया है, वो सेसेशन जो है हो गई आपकी लास्ट ईयर में, वो पूरा 12 महीने का बनाया है। यू कैन सी दैट पिछले पीरियड को अगर आप कवर करेंगे तो जो लास्ट पीरियड है सेसेशन का वो पूरे 12 महीने का। अब इसके अंदर जो तरीका है टर्मिनल लॉस कैलकुलेट करने का, अगर उस पर बात की जाए, तो वो कहते हैं टर्मिनल लॉस अब दो स्टेप्स में कैलकुलेट करते हैं। आपको मेरे नोट्स में, किताब में वो पूरा पिक्चर उसमें अंदर मिल जाएगी। पहले आप जो कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे 6 अप्रैल से लेंगे पीरियड और उसको लेके जाएंगे सेसेशन की डेट तक। तो अगर मैं अपने सवाल में जाऊं तो हमारा जो सेसेशन वाला पीरियड था, सेसेशन वाला जो ईयर जा रहा है वो कहाँ सेसेशन हो रही है, 31 दिसंबर 19। तो हमने 6 अप्रैल से 31 दिसंबर 19 तक गए, और इसके अंदर जो हमारा पीरियड बना, जो लॉस का पीरियड हमने कवर किया, वो कवर हुआ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितना कवर हो गया? 9 मंथ्स कवर हो गया। तो हमने 25,000 का 9/12 ले लिया कि इतना पीरियड हमने इस डेट के अंदर कवर कर लिया। तो 25,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9, सो ये हमने लॉस कवर कर लिया 18750, ये हमारा लॉस आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से ओवरलैप एडजस्ट करेंगे, ओवरलैप प्रॉफिट डिडक्ट करेंगे। तो ओवरलैप प्रॉफिट जब डिडक्ट करने जाएंगे तो हमारे पास ओवरलैप प्रॉफिट है 3,000 का। ये ओवरलैप प्रॉफिट हमने इसमें से डिडक्ट कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये टोटल आंसर हमारा आ गया 21750। ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया, इसको मैं नाम दे देता हूं ए का। सही है, इसके अंदर लॉस ही आना चाहिए, प्रॉफिट नहीं आना चाहिए, और ऑब्वियसली लॉस ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब इसका जो सेकंड पार्ट है सब्सिक्वेंटली, तो पहले एक चीज चेक करो, टर्मिनल लॉस कितना होता है 12 महीने का। हमने कितना कवर कर लिया, हमने 9 मंथ्स कवर कर लिए। अब हमें कितने चाहिए, अब हमें 3 महीने चाहिए। तो 3 महीने जो हम कवर करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि 5 अप्रैल तक हमें आना है, तो हम इतना पीछे जाएंगे कि 3 महीने कवर हो जाएं। तो 3 महीने कैसे कवर होंगे, 1 जनवरी 19 से 5 अप्रैल 19, 3 महीने कवर हो गए। और ये 3 महीने उसी 25,000 में से बचे हुए थे मल्टीप्लाई बाय 3/12। तो ये 25,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, तो ये बनते हैं 6250। ये 6250 हमने यहाँ पर ले लिए, ये भी लॉस है, और ये उस लॉस में अबव लॉस में प्लस कर दिया, तो ये बन गया 21750 प्लस 6250, 28,000। ये आ गया आपका टर्मिनल लॉस। अब स्टूडेंट ये कहता है कि सर ये तो हमें डायरेक्ट भी कर सकता था। मसलन कैसे डायरेक्ट कर सकते थे, देखें जी मैं डायरेक्ट भी करता हूँ, 1 जनवरी 19 से लेकर 31 दिसंबर 19 का लॉस था 25,000 का। सही है, ओवरलैप इसमें से एडजस्ट कर दें,
ओवरलैप प्रॉफिट था 3000 का, क्या आंसर आया? आंसर आया 28,000। ये देखिए 28,000, मेरा आंसर भी मैच कर रहा है। लेकिन ये उस सूरत में पॉसिबल है डायरेक्ट जब हमारा पीरियड 12 महीने का हो, तब तो पॉसिबल है, तब तो आप एग्जाम में भी इसको बगैर वर्किंग के शो कर सकते। लेकिन अगर आपका लास्ट पीरियड 12 महीने का ना हुआ तो टर्मिनल लॉस में आपको वो 12 महीने ही लेने पड़ेंगे, तो इसलिए फिर टेंशन हो जाएगी। तो ये तो सीधा सीधा हो गया, इसको तो हमने इस तरह से कवर कर लिया। लेकिन अगर आपको प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ी तो आपको प्रेजेंटेशन ऐसे ही दिखानी है, पहले ए कैलकुलेट करेंगे, 6 अप्रैल से सेशन पे जाएंगे, फिर 6 अप्रैल से पीछे आके अपने 12 महीने कवर करेंगे। और अगर पार्ट ए में या पार्ट बी में प्रॉफिट आ जाएगा तो उस प्रॉफिट को कंसिडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ लॉस को कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज हम टर्मिनल लॉस निकाल रहे हैं, हम प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर। अब इसको पीरियड को थोड़ा सा चेंज करते हैं और फिर आपको नजर आएगा कि यार टर्मिनल लॉस की जो कहानी है वो किस तरह से कैलकुलेट होगी। तो उसके लिए मैं जो ना वो एक किट के सवाल को ही रेफर कर लेता हूँ ताकि हम टर्मिनल लॉस उसको समझ भी लें और उसको आसानी से कैलकुलेट भी कर लें। मैं क्वेश्चन नंबर किट का है 50, पेज नंबर 15 पे दिया हुआ है, उसका डेटा मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। एक बिजनेस है, उसने अपनी ट्रेडिंग एंड कर दी 30 सितंबर 2019 पे, ये पीरियड ऑफ सेशन आ गया। उससे पहले उसका जो टैक्स एडजस्टेड प्रॉफिट था या टैक्स एडजस्टेड लॉसेस थे वो हमें दिए जाएंगे ऑब्वियसली। So, उससे पहले वो जो अपना ईयर एंड बना रहा था वो बना रहा था 31 जनवरी 2019 के अंदर, और उसके पास 39,000 का प्रॉफिट था। और उसके बाद जो पीरियड एंड हुआ तो वो पीरियड एंड उसने किया 30 सितंबर 2019 में, और उसके अंदर उसको 24,000 का लॉस हुआ। ओवरलैप प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड पड़ा हुआ है, ओवरलैप ब्रॉड फॉरवर्ड पड़ा हुआ है 12,000 का। अब आप इसको पिछली वाली एग्जांपल से कंपेयर करें तो आपको नजर आएगा कि हमारी इस एग्जांपल के अंदर हमारा जो पीरियड एंड हुआ है जनवरी 19 से लेकर सितंबर तक जाएं, यहां से यहां तक कवर करें तो आपको नजर आ रहा होगा फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 8 महीने का लास्ट ईयर है, तो हमारा टर्मिनल लॉस तो 12 महीने का होता है। तो अब हम 12 महीने कैसे बनाएंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे, उसको देखें किस तरीके से होता है। मैं 12 महीने बनाऊंगा और बस एक एग्जांपल के जरिए अगर अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं कि ये 12 महीने कैसे बनेंगे। फिर हम इसके रिलीफ के ऊपर एक सवाल करेंगे और ये हमारा एरिया एजेंडा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स सी मैं टर्मिनल लॉस कैसे बनाता हूँ। सेशन कब हो रहा है, पहले आइडेंटिफाई करेंगे सेशन कब हो रहा है। सेशन हो रहा है 30 सितंबर 19 से। अब 30 सितंबर 19 से बैक चलते हैं, 30 सितंबर 19 से चलते हैं बैक, यहां पर चलते हैं 6 अप्रैल 19 से चलते हैं 30 सितंबर 19 में, या फिर आप ऐसा कर लेंगे 30 सितंबर 19 से चलते हैं 6 अप्रैल तक। ये पीरियड बनेगा आपका पहला पीरियड। तो ये पीरियड में आपका कितना लॉस कवर हुआ, काउंट कर लें, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 24,000 के लॉस में से हमने 6 महीने का लॉस कवर कर लिया, टोटल लॉस था 8 महीने का। तो कितना लॉस कवर हो गया, लॉस कवर हो गया 18,000 का, ये 18,000 का हमारा लॉस कवर हो गया। ठीक है जी, यार वैसे बोल दो यार, चैट में जाके देखना पड़ता है बार बार, कोई सवाल है तो किसी डायरेक्ट पूछ ले। 18,000 का लॉस कवर हो गया। अब इसके बाद हमने इसमें से ओवरलैप प्रॉफिट एडजस्ट करना है, तो ओवरलैप प्रॉफिट मेरा था सवाल के अंदर 12,000 मैंने यहां से ऑफसेट किया, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 30,000 का लॉस। ये ए पीरियड हमारा 30,000 का लॉस में कन्वर्ट हो गया। अब हम बी पीरियड निकालेंगे,
तो सवाल मेरा ये है कि हमने कितने महीने का लॉस कवर कर लिया? 6 महीने का लॉस हमने कवर कर लिया, बाकी कितना बाकी है? बाकी 6 महीने हमारे बाकी हैं। तो अब हम 6 अप्रैल से बैकवर्ड चलेंगे 6 महीने तक। तो 6 अप्रैल से अगर मैं बैकवर्ड जाता हूँ, 6 अप्रैल 19 से पीछे चलता हूँ, तो 6 महीने पीछे जाते हैं, डेट क्या बनती है? तो आप अंदाजा लगाएं डेट आपकी क्या बनेगी, काउंट करें। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो ये बनेगी 1 अक्टूबर 18 से 6 अप्रैल 19, ये 6 महीने बनते हैं। और इसका आसान सा तरीका है कि सितंबर 19 से 12 महीने पहले जाके डेट बना लें, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी एक शॉर्टकट बताता हूँ। अब इससे पीछे जाएंगे तो हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। एक तो हमारे पास 24,000 के लॉस में से 2 महीने बाकी बचे हुए, 2/8, ये 2 महीने हमारे कवर हुए हैं, और इससे हमारे पास 6,000 का लॉस आ रहा है, ये हमारा लॉस है। तो हमारे 8 महीने कवर हो गए। अब हमें 4 महीने और पीछे जाना है, तो हम 4 महीने पीछे जाएंगे तो वहां पर हमारे पास एक प्रॉफिट रखा हुआ है, उस प्रॉफिट में से वो 4 महीने लेंगे, तो उस प्रॉफिट में से 4 महीने ले लेते हैं। प्रॉफिट अवेलेबल है 39,000 का मल्टीप्लाई बाय 4/12, तो ये बन जाता है 13,000। 13,000 का प्रॉफिट, 6,000 का लॉस, नेट आंसर क्या आया? नेट आंसर आया प्रॉफिट ऑफ 7,000। ये प्रॉफिट अब हम कंसीडर नहीं करेंगे, लॉस आएगा तो कंसीडर करेंगे, जाकर यहां पर लिख देंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट आया तो इग्नोर कर देंगे। और हमारा टर्मिनल लॉस कितना है? हमारा टर्मिनल लॉस आ गया 30,000। ये है टर्मिनल लॉस की कैलकुलेशन। अभी थोड़ी देर बाद सवाल पूछना, मैं इसका अभी एक शॉर्टकट आपको बताता हूं कि टर्मिनल लॉस को कैसे स्प्लिट करते हैं, तो मैं इसी सवाल में बेस बनाता हूं। सबसे पहले हमने अपना सिसेशन वाला पीरियड देखा और उसको 1 साल पीछे ले गए। कहां ले गए? 1 अक्टूबर 18, ये 12 महीने बनेंगे। फिर इस 12 महीने को 2 एरियाज में स्प्लिट कर दिया। एक एरिया है जो कि 6 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 19 से 30 सितंबर 19 तक जाएगा, इसकी वर्किंग में सेपरेट करूंगा। और एक एरिया होगा जो कि 1 अक्टूबर 18 से जाएगा 5 अप्रैल तक, इसकी वर्किंग में अलग तरीके से करूंगा। तो ये 2 स्टेप्स में जब आप सवाल को तोड़ देंगे तो आपके लिए ए और बी की वर्किंग करना आसान हो जाएगी। ये ए वर्किंग हो गई, ये बी वर्किंग हो गई। सही है? अगर ए में या बी में ओवरऑल प्रॉफिट आया तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब सवाल पूछने तो सवाल पूछे भाई, वरना हम आगे टर्मिनल लॉस रिलीफ के ऊपर चलते। बोले जी, एनी क्वेश्चन? चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं। सेशन हुआ है आपका 31 दिसंबर 19 में, सही है? उससे पहले आपका ईयर एंड था 31 जनवरी 18, और आपका प्रॉफिट था 1,000 का, और पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 19 में आपका लॉस था 40,000 का, और ओवरलैप प्रॉफिट पड़ा हुआ है 2,000 का। कैलकुलेट टर्मिनल लॉस। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सेशन देखा और एक टाइमलाइन बना ली। सेशन कहाँ हो रहा है, स्टार्ट कहां से होगा? सही है जी।
अब इसके अंदर एक बीच में स्प्लिट डालेंगे 6 अप्रैल वाला, और एक ये पीरियड बन गया और एक पीरियड ये बन गया यहां से यहां तक का। यहां इस तरीके से आपको टर्मिनल लॉस निकालने में काफी आसानी हो जाएगी। तो हमारा जो लास्ट पीरियड है उसके मंथ्स काउंट करें, वो कितने मंथ्स का है? फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3, 6, 9, 11 महीने। तो ये जो हमारा है ये 11 मंथ्स का बन रहा है। अच्छा, टर्मिनल लॉस तो 12 महीने का होता है, सही है। तो हमने 11 मंथ्स इसमें से लेने हैं 40,000 में से, लेकिन उसको तोड़ना है। तो अप्रैल से दिसंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारे 9 मंथ्स बनते हैं। ये हमने 9 मंथ्स यहां से ले लिए, 40,000 इनटू 9 बाय 11, इसका आंसर बताएं कितना आ रहा है जल्दी से। ये ए पार्ट की वर्किंग कर रहा हूं मैं, मैंने इसको इस तरह से तोड़ के अलग अलग किया है ताकि आसानी हो जाए। है कोई कैलकुलेटर वाला या मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा? चलो यार मैं कर लेता हूं, तुम लोगों से पहले ही कर लूंगा। इसका आंसर आ रहा है 32727। इसमें से ओवरलैप एडजस्ट कर लेते हैं, ओवरलैप आ रहा है 2000 का, ओवरऑल लॉस आ गया कितना, 34727। ये ओवरऑल लॉस आ गया ए पार्ट के अंदर। अब इसकी बी पार्ट की वर्किंग पे चलते हैं। तो बी पार्ट की जो वर्किंग है वो 5th अप्रैल तक जाएगी, 1st जनवरी 19 से 5th अप्रैल। अब 40,000 वाले लॉस में से 9 मंथ्स कवर हो गए, बाकी 2 महीने बाकी हैं। तो ये 2 महीने हमने 40,000 में से कवर कर लिए, मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 11, 40,000 में से डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 2, 7272। तो ओवरऑल अब तक मैं कितने महीने कवर कर चुका हूं? 9 मंथ्स यहां कवर कर लिए, 2 महीने यहां कवर कर लिए, 11 महीने हो गए। एक महीना पीछे प्रॉफिट में से जाके लेना पड़ेगा, तो प्रॉफिट पड़ा हुआ है 1000 का, 1000 में से एक महीना उठाया, तो 1000 में से जब मैंने एक महीना उठाया तो बना 83। नेट ऑफ किया, नेट ऑफ करके चेक करें ओवरऑल प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, तो ओवरऑल लॉस आ रहा है 7189 का, 7189। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 34727 प्लस 7189, सो ये 41916 हमारा आ गया टर्मिनल लॉस। तो मैंने तीनों तरह की एग्जांपल करवा दी, पहली एग्जांपल जिसमें 12 महीने का पीरियड था, और अगली दो एग्जांपल जिसमें 12 महीने से कम का पीरियड था, और एक पीरियड में पार्ट बी में प्रॉफिट आ रहा था और एक पीरियड में पार्ट ए और बी दोनों में लॉस आ रहा था। अब इसके अंदर ही एग्जाम में आप आराम से इसको टैकल कर सकते। अब सवाल पूछे, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। आपका बिजनेस जो है उसका सेशन हुआ 30th जून 2019, सही है, और उसके जो टैक्स एडजस्टेड प्रॉफिट थे वो टैक्स एडजस्टेड प्रॉफिट और लॉस अकाउंटिंग पीरियड जो वो बना रहा था इससे पहले, उसमें उसने अपना अकाउंटिंग पीरियड बनाया 30th सितंबर 16, प्रॉफिट हुआ 7500 का। उसके बाद सब्सिक्वेंटली आया 30th नवंबर 17, फिर प्रॉफिट हुआ 7300 का। उसके बाद आया सब्सिक्वेंटली 30th सितंबर 18, फिर प्रॉफिट हुआ 100 का। और उसके बाद आपके पीरियड सेशन में चला गया 9 मंथ्स टू 30th जून 19, और इसमें लॉस आ गया आपके पास 7200 का, ठीक है। हमारे पास ओवरलैप प्रॉफिट पड़ा हुआ है ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड ओवरलैप प्रॉफिट पड़ा हुआ है 1800 का, ओपनिंग से आया होगा, ठीक है। अच्छा जी,
कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है इसके पास। कैलकुलेट टर्मिनल लॉस, अब सोचो टर्मिनल लॉस सोचो, कैलकुलेट टर्मिनल लॉस एंड शो हाउ रिलीफ मे बी ऑब्टेन्ड। सोचो सेसेशन की डेट चेक करो क्या है, आखिरी पीरियड चेक करो, 9 मंथ्स का है टर्मिनल लॉस, तो 12 महीने का होगा ना, तो इसका मतलब है हमें पहले टर्मिनल लॉस बनाना पड़ेगा, और जब टर्मिनल लॉस आ जाएगा तो फिर हम लॉस का फॉर्मेट बनाएंगे और 36 महीने कैरी बैक से अपने टर्मिनल लॉस को ऑफसेट करने की कोशिश करेंगे। तो अब एक मिनट के लिए इस तरह थोड़ा सा ए और बी को सोचो क्या बनना चाहिए, फिर बात करते हैं इसके ऊपर टर्मिनल लॉस कैसे निकालें ए और बी। तो हम दो स्टेप्स के अंदर जाएंगे, जो 30th जून 2019 है, तो पहली अप्रोच तो योगी के 6th अप्रैल से 30th जून तक जाया जाए और फिर उसके पीछे जाके 12 महीने कवर किए जाए। तो आसान तरीका क्या है, आसान तरीका यह है कि आप 30th जून 2019 से एक साल पीछे चले जाएं, डन करें, ये डेट बनती है 12 महीने, यस और नो? क्या ख्याल है, बनती है एक साल की डेट? अब इसके अंदर आपको एक स्प्लिट डालना है, कहां से स्प्लिट डालना है, कहां से? बस ये सबसे आसान तरीका है आपको टर्मिनल लॉस पिक करने का, किताब से पढ़ोगे तुम्हारा सर चकरा जाएगा कि 6th अप्रैल से यहां जाना है और फिर यहां जाना है, इन दो स्टेप्स के अंदर 12 महीने कवर होंगे। तो जब मैं ए पार्ट बनाऊंगा तो ए पार्ट कहां से कहां तक होगा, 6th अप्रैल 19 से जून 19 तक, और बी पार्ट जो होगा वो होगा 1st जुलाई 18 से 5th अप्रैल 19 तक। अब मैं इसको फॉलो करता हूं, फॉलो मी। तो मेरा पहला पार्ट बनता है 6th अप्रैल 19 से हम गए 30th जून 19, कितने महीने कवर हो रहे, अप्रैल मई जून, 3 महीने कवर हो रहे, और हमारे 9 मंथ्स के लॉस हैं 7200 के, हमने 3 महीने कवर किए आउट ऑफ 9, तो ये कितना बनता है 3/9, 2400 का लॉस हमने ले लिया। उसके बाद हम इसमें से ओवरलैप प्रॉफिट माइनस करेंगे, ओवरलैप प्रॉफिट 1800 के ब्रॉड फॉरवर्ड थे, माइनस माइनस प्लस कितने हो गए, 4200। सही है, अब पीछे जाएंगे, जब पीछे जाएंगे तो प्रॉफिट नहीं आना चाहिए ना, ओवरऑल लॉस आना चाहिए। अगर ओवरऑल प्रॉफिट हुआ तो इग्नोर कर दूंगा, और ओवरऑल लॉस हुआ तो लूंगा, कब से कब तक, जुलाई 18 से लेकर अप्रैल 19 तक। तो पहले तो मेरे पास ये जो ऊपर वाला पीरियड है 7200 × 3/9, इसकी 6 महीने पड़े हुए, पहले तो ये लूंगा, कितना लॉस हो गया 6 महीनों में, 4800 का लॉस पड़ा हुआ है, और ओवरऑल मैंने 3 महीने पहले कवर कर लिए थे और 6 महीने अब कवर कर लिए, 9 मंथ्स पूरे हो गए, कितने पीरियड अभी बाकी है, yes, sir. कितना पीरियड बाकी है, हम चल रहे थे 1st जुलाई 18 से 5th अप्रैल 19, उसके अंदर हमने अब तक 9 महीने में से हमने अब तक 6 महीने ले लिए, तो हम 3 महीने और पीछे जाएंगे, लेकिन पीछे प्रॉफिट रखा हुआ है, प्रॉफिट रखा हुआ है कितना 100 का, उसमें से 3 महीने निकालो 100 के प्रॉफिट में से, वो कितने बनते हैं 25, 4800 का लॉस, 25 का प्रॉफिट, नेट लॉस कितना हुआ 4775,
यहां भी लॉस आ रहा है ऊपर भी लॉस आ रहा है, दोनों को एग्रीगेट कर दो। दिस इज द आंसर ऑफ टर्मिनल लॉस। ठीक है भाई, अब हमें रिलीफ चाहिए, अब हमें टर्मिनल लॉस का रिलीफ चाहिए, 8975 का रिलीफ चाहिए। और तरीका क्या था टर्मिनल लॉस के रिलीफ का, कि हमें 36 महीने कैरी बैक करना पड़ता है। टर्मिनल लॉस का जो रिलीफ मिलता है उसका रूल क्या है, 36 महीने कैरी बैक करना पड़ता है। और ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट? लास्ट इन फर्स्ट आउट। और किससे करेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट से करेंगे, टोटल इनकम से नहीं कर सकते। पार्शियल ऑफसेटिंग इज नॉट अलाउड। अब मैं प्रोफॉर्मा बना देता हूं, तो मेरी इनकम जो मेरे पास अवेलेबल थी इससे पिछले सालों में 16-17, 17-18, 18-19 और उसके बाद 19-20, तो 4 साल बनेंगे। प्रोफॉर्मा बनाते हैं, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20। देखो लॉसेस का सवाल आया ना एग्जाम में, टफ टाइम देगा, मैं बार बार बता रहा हूं, लॉसेस आसान नहीं है। ट्रेडिंग प्रॉफिट ले लिया, सबसे पहला ट्रेडिंग प्रॉफिट था 7500 का, उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट आया 7300 का, उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट आया 1100 का, और 1920 के अंदर लॉस है। अब टर्मिनल लॉस कहां से शुरू होगा, 19-20 का ईयर ऑफ लॉस है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता तो कहां से शुरू होता, 16-17 से। लास्ट इन फर्स्ट आउट है तो कहां से शुरू होगा, 18-19 से जाएगा। ठीक है, और यहां पर मैं एक अदद लॉस मेमोरेंडम भी बना देता हूं ताकि लॉसेस को आइडेंटिफाई करने में आसानी। ये लॉस मेमोरेंडम बन गया, ये आ गया लॉस मेमोरेंडम। टोटल टर्मिनल लॉस है कितना, 8975। अब इसको ऑफसेट करवाते हैं 8975 को। तो सबसे पहले जो मैं लॉस रिलीफ लूंगा लास्ट इन फर्स्ट आउट पे से, तो वो मैं क्या लूंगा, 18-19। उसके बाद पीछे जाऊंगा 7300। एक सेकेंड, 1575। 1 मिनट, 1575। क्यों 1575 भाई, कहां पहुंच गया यार, गलत क्यों बता रहा मेरा भाई, माइनस करके बता रहा। नहीं, माइनस करने की अभी आप बताओ, 1575। हाँ, अब आप पीछे जाएंगे और पीछे कितना बचता है, 1575 है मौजूद। यस सर, पूरा हो गया ऑफसेट, नहीं होता तो कैरी फॉरवर्ड। अभी बताता हूँ, एक सेकंड होल्ड करना जरा, लेट्स रिसीव। तो हम लोग अभी इसको फिर नेट ऑफ करते हैं, इसको नेट ऑफ किया हमने, नेट ऑफ करने के बाद हमारे पास 1920 में जीरो हो गया, 1718 में जीरो हो गया, और 16-17 में हमारे पास कितना अमाउंट बचा, नेट प्रॉफिट हमारे पास आ गया 5925 का नेट प्रॉफिट आ गया। और ये हमारा मसला हो गया हल, टर्मिनल लॉस रिलीफ डन। मजे से सही है जी। अब आप एक किट के सवाल पे आ जाएं, जिन लोगों के पास किट है वो किट के सवाल पे आ जाएं, और जिन लोगों के पास किट नहीं है तो आई वुड लाइक जिन लोगों के पास किट है जरा उसका एक फोटो स्क्रीनशॉट लेके उसको जरा आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे तो बाकी लोग भी उसको एक्सेस कर लेंगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट अभी किट के सवाल पे जम कर रहा हूँ, जो कि थोड़ा सा पार्टनरशिप ओरिएंटेड भी है, तो पार्टनरशिप का भी आइडिया हमारा क्लियर हो जाएगा कि पार्टनरशिप के लॉसेस को कैसे टैकल करते हैं। सवाल है जनाब आपका 120, पीटर क्विंटन एंड रॉजर, ये निकालने सब लोग।
क्वेश्चन नंबर 120, पेज नंबर 66. और अगर कोई एक बंदा इसकी पिक लेकर भेज देगा तो हमारे लिए आसानी होगी. सर पीटर वाला है क्या? चीज पीटर वाला है, लॉन्ग क्वेश्चन है. जी 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 बिल्कुल लॉन्ग क्वेश्चन है. अच्छा अनम्यूट मैंने तो किया हुआ है भाई, तभी आज लगता है इनको खुद ही गड़बड़ हो रही है. मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है, पता नहीं क्यों. तभी मेरे एक दो स्टूडेंट्स की आवाजें नहीं निकल रही. वापस से अनम्यूट करते हैं तो फिर वो लिखा आता है कि आपके होस्ट ने अनम्यूट किया हुआ है. यार ये झूठ बोल रहा है भाई, मैंने तो अनम्यूट किया हुआ सब, मेरा कोई कसूर नहीं है उसमें. सीरियसली मैं एविडेंस के तौर पे भेजूं तो मैं स्क्रीन लेके. ये Zoom बहुत डिमांड में है ना. Zoom का तो शेयर प्राइस ऊपर जा रही है भाई. चले जी खैर है. हाँ भाई हमने किया है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. इसमें हमें कॉन्सेप्ट समझना है, खासतौर पे आई एम इंटरेस्टेड कि हम आखिरी वाले ऑप्शन पे बात करें. ए और बी तो तुम लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन आखिरी वाले सी पे बात करें. सी तो पहले सवाल डिस्कस करना पड़ेगा ऑब्वियसली, थोड़ा सा टाइम लगा लेते हैं इसके ऊपर भी. तो देखें सवाल के अंदर ये दिया हुआ है कि पीटर एंड क्विंटर ने पार्टनरशिप स्टार्ट की है 1 जनवरी से. तो आप जब कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो उनके ऊपर कमेंसमेंट वाला रूल लगेगा. तो 1 जनवरी 2017 से पीटर और क्विंटन दो पार्टनर थे, उन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट की. तो बेसिस पीरियड का कौन सा रूल लगेगा? बेसिस पीरियड का कमेंसमेंट वाला रूल लगेगा पीटर और क्विंटन के लिए. उसके बाद आपका रॉजर आ गया 1 जनवरी 2018 से, सही है? तो फिर रॉजर के लिए आपका कमेंसमेंट वाला रूल अलग से लगेगा, क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले के लिए कमेंसमेंट का रूल लगता है और बाकी वाले नॉर्मल पे चले जाएंगे करंट ईयर बेसिस के ऊपर. फिर इसने कहा कि पीटर ने रिजाइन कर दिया 31 दिसंबर 2019 में. 31 दिसंबर 2019 में पीटर रिटायर हो गया, तो पीटर पे कौन सा रूल लगेगा? पीटर के ऊपर लगेगा सिसेशन वाला रूल. बाकी सब करंट ईयर पे चलते रहेंगे और पीटर सिसेशन पे चला जाएगा, सही है? तो अगर आप ये देखो कि लास्ट ईयर जो हमारा आया है 31 दिसंबर 2019, तो उसमें 31 दिसंबर 2019 में तीनों पार्टनर का शेयर कितना होगा? शेयर ऑफ पार्टनर बनता है 10,000 ईच. तो ये ईयर ऑफ सेसेशन में लॉस का शेयर है. तो जब पीटर रिटायर हो रहा है तो पीटर के पास जो आखिरी साल बच रहा है उसके अंदर लॉस कितना आया? 10,000 का लॉस आया. और जब पीटर ने ज्वाइन किया होगा तो पीटर के पास ओवरलैप प्रॉफिट भी होगा. तो ये ओवरलैप प्रॉफिट पीटर के ओवरऑल लॉस को बढ़ाएगा कम करेगा? ओवरऑल लॉस को बढ़ा देगा, ठीक है. अच्छा उसने कैलकुलेशन नहीं मांगी, उसने सिर्फ आपसे ओपिनियन मांगी है कि तीनों पार्टनर के आखिरी साल के अंदर आप उसे ये बता दें कि पॉसिबल मेथड ऑफ रिलीफ क्या होंगे. उसने टर्मिनल लॉस की कैलकुलेशन नहीं मांगी. तो अब हम इसमें पॉसिबल मेथड्स पे अगर बात करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल मेथड हो सकते हैं लॉस रिलीफ के. तो ये जो ईयर हमारे पास आया है 19 वाला, ये बनता है 19-20, ठीक है. और जो कमेंसमेंट वाला ईयर हमारा था वो बन रहा था 17-18, आई गेस 17-18 बन रहा था ना, या 16-17, नहीं 16-17 बन रहा था. कमेंसमेंट वाला जो पीरियड बनेगा वो बनेगा 16-17. अब आप चेक करें
16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20 ये तो चार साल नहीं हो गए, पहले चार साल में नहीं आ गए। तो अगर लॉसेस पहले चार साल में आ जाएं तो क्या तरीका होता है उसको? पहले चार साल वाले लॉसेस का क्या तरीका होता है? ओपनिंग ईयर वाला रूल लगता है, सही है। और रॉजर तो पीटर के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो हम कहेंगे, इस सवाल को मैं दो हिस्सों में तोड़ देता हूं, कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपना लॉस कैसे ऑफसेट कर सकते हैं, उनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है वो क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, करंट ईयर से ऑफसेट कर सकते हैं अदर इनकम से। तीसरा ऑप्शन क्या है, पिछले साल से कैरी बैक कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है, स्पेशल ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ। ये चारों ऑप्शन इनके पास मौजूद है एग्जिस्टिंग पार्टनर के पास, लेकिन इनके पास टर्मिनल लॉस मौजूद नहीं है। और जो रिटायरिंग पार्टनर है, कौन है रिटायरिंग पार्टनर? पीटर के जो आखिरी साल का लॉस है, क्या पीटर कैरी फॉरवर्ड कर सकता है? नहीं। तो कैरी फॉरवर्ड में लिख देंगे हम क्रॉस, पीटर के पास कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन खत्म। क्या पीटर करंट ईयर से ऑफसेट कर सकता है अगर कोई इनकम हो तो? यस। क्या पीटर पिछले साल से कैरी बैक कर सकता है? यस। क्या पीटर टर्मिनल लॉस रिलीफ ले सकता है? यस। क्या पीटर स्पेशल ओपनिंग लॉस ईयर के ऊपर जा सकता है? यस। बस यही तो डिस्कस करना है थ्योरी में, बस बस। यकीन ना आए तो सॉल्यूशन पढ़ लेना। लिखा है योर आंसर शुड इंक्लूड अ कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉस अवेलेबल फॉर रिलीफ। वो ए और बी पार्ट में जब आपके पास ओपनिंग में प्रॉफिट पड़ा होगा तो आप उसे बता दें कितना लॉस ऑफसेट हो सकता है, लेकिन डिटेल प्रोफॉर्मा बना के कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ एक इंटीमेट करना है कि कितना लॉस पीछे ऑफसेट हो सकता है, क्योंकि बी से कनेक्टेड है। बी में हमें पता है कि 16-17 में कितना प्रॉफिट पड़ा हुआ है, 17-18 में कितना प्रॉफिट पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे पास सी में कैलकुलेशन करने की हमें सेपरेटली जरूरत नहीं है, बी वाली कैलकुलेशन से लिंक करके बताना, सही है। तो बी वाली कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना, फिर उसके साथ कनेक्ट कर लेना कि कितना ऑफसेटिंग हो सकती नहीं हो, लेकिन पूरा प्रोफॉर्मा बना के अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, इतने मार्क्स नहीं दे रहा, वो डिस्कशन के मार्क्स है। ये 7 मार्क्स सिर्फ ये जो हमने लिखा है और टिक टिक क्रॉस माने इसके, इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो 7 मार्क्स कम है मुझे तो लग रहा है। सबको एक्सप्लेन करना है हेडिंग डाल के, कि कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो क्या करेंगे, किससे ऑफसेट करेंगे, करंट ईयर में किससे ऑफसेट करेंगे, कैरी बैक में किससे ऑफसेट करेंगे, जहां कैलकुलेशन पॉसिबल है वहां पर आप बता दें कि इतना लॉस पीछे जाके कैरी बैक हो सकता है।